नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज के टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की सिक्कों की खास सीरीज। वासुकीनाथ मंदिर में तोड़फोड़, कई जगह प्रदर्शन। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 141 व्हाट्सएप ग्रुप में मिले चौंकाने वाले मैसेजेस। संघ प्रमुख के बयान से संत समाज आहत। फिर डराने लगा है कोरोना। भारत की गेहूं निर्यात पर पाबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के घर पर छापेमारी। सलमान खान के घर पहुंची पुलिस। इस हफ्ते शादी के बंधन में बंधेंगे नयनतारा और विघ्नेश। तो ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइंस। आइए अब रुक करते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयों के आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान भारतीय रुपयों की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के लॉन्च हुए। इनमें से 1 से 20 तक के सिक्कों की स्पेशल सीरीज भी जारी की गई है। जम्मू संभाग के जिले डोडा के भद्रवाह में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। इससे लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा। विभिन्न हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मंदिर को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी को पकड़ने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। पुलिस और 17 RR ने 3 जून को आतंकी तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया। वह नागसेनी के राजबारी इलाकों का रहने वाला है और जिले में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल रहा। कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के मोबाइल से अब राज खुलने लगे हैं। उनके मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजारबंदी और बवाल की बातचीत मिली है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट ग्रुपों में दिया जा रहा था। कोई वीडियो डाल रहा था तो कोई फोटो व मैसेजेस। प्रयागराज पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ओमकार आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से संत समाज आहत है। एक तरफा बयान संतों को अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति सनातन धर्म पर टिकी हुई है और सनातन धर्म का अपना बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके सबसे पूज्य और आदि देव भगवान शंकर घट घट में है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 2,789 लोग ठीक हुए हैं, तो 9 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। वहीं सक्रिय मामलों में उछाल देखा गया। देश में अब कोरोना के 25,782 सक्रिय मामले हैं। भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर पाबंदी और यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में प्रमुख खाद्यान्न गेहूं के दाम में उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि जंग के कारण यूक्रेन में गेहूं उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एक और कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। मालूम हो कि बीते 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 9 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया था। महाराष्ट्र गृह विभाग ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि 5 जून को सलमान और सलीम खान को धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसके बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। साउथ अभिनेत्री नयनतारा इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। अपने लंबे रिलेशन के बाद एक्ट्रेस आखिरकार अपनी शादी के लिए तैयार है। करीब 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नयनतारा और विघ्नेश कुमार गुरुवार को 9 जून को चेन्नई में शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं। अपनी शादी के लिए इस कपल ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस क्रम में हाल ही में नयनतारा और विघ्नेश ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin से मिलकर उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण भी दिया है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।